ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मीड रेंजर गाय को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्वराज, आप देख रहे हैं मीड रेंजर गाय। दोस्तों, 2019 होने वाला है वो स्मार्टफोन इंडस्ट्री में 5G का जमाना होने वाला है। जैसे पिछले साल नॉच फोन निकला और बहुत सारे लोग उसको पसंद किए और नॉच डिस्प्ले जो है वो ट्रेंडिंग पे रहा, ऐसे इसी साल 5G का जो फोन है वो ट्रेंडिंग पे रहने वाला है और बहुत सारे कंपनी इस चीज पे लगे हुए हैं कि सबसे पहले अपना जो 5G फोन है इंडिया में सबसे पहले लॉन्च करे। लेकिन आज इस वीडियो में लोग बात करने वाले ऐसे कुछ ब्रांड्स की जो लोग कंफर्म कर चुके हैं कि 2019 में वो लोग 5G फोन लेके आएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जहाँ पे लिस्ट पे है वो है Xiaomi। Xiaomi का जो मी मिक्स 3 फोन लॉन्च हुआ था, ऐसे सुनने में आ रहा था कि उसमें आपको 5G का सपोर्ट मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब मी मिक्स 3 लॉन्च हुआ था उस टाइम आपको 4G का सपोर्ट मिलता था और कंपनी ने बात पे यहाँ पे क्लियर किया कि 2019 में उसका और एक वेरियंट आएगा मी मिक्स 3 का, जहाँ पे आपको 5G का सपोर्ट मिल जाएगा। जो दो नंबर लिस्ट पे यहाँ पे वो है Samsung। Samsung बहुत दिन से टेस्टिंग शुरू कर दिया पहले 5G फोन इंडिया में लाने के लिए और वो इस चीज में जुड़ा हुआ है और ऐसे सुनने में आ रहा है कि Samsung का जो S सीरीज होगा उसमें 5G का सपोर्ट नहीं मिलेगा। हाँ जी दोस्तों, लेकिन S सीरीज का और एक लिमिटेड वर्जन निकालेंगे वो लोग, जहां पे आपको 5G का सपोर्ट मिल जाएगा और उसके बाद बस Samsung का A सीरीज में, J सीरीज में, आपको सारे सीरीज में उसका 5G का सपोर्ट देखने को मिल जाएंगे। तो जो लिस्ट पे तीन नंबर पे है वो यहां पे OnePlus। OnePlus फोन इसलिए जाना जाता है वो फ्लैगशिप किलर है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि बाकी सारे ब्रांड 5G फोन ले आए और OnePlus नहीं ला पाया। तो इसीलिए OnePlus ने इस चीज के लिए लग चुका है और उसका भी टेस्टिंग शुरू हो गया है और ऐसे भी सुनने में आ रहा है कि OnePlus का और एक वेरिएंट आने वाला है जो कि OnePlus 7 या 70 नहीं होंगे और वो उस चीज के लिए काम करना शुरू कर दिया है और जल्द से जल्द 2019 में वो फोन यहाँ पे लॉन्च हो जाएगा और उसमें आपको 5G का सपोर्ट भी मिल जाएगा। जो चार नंबर पे लिस्ट पे है वो LG। LG 2018 से पहले पहले एक इवेंट में बोले थे वो लोग कि वो लोग 5G के लिए काम कर रहे हैं, 2019 के पहले पहले वो लोग 5G फोन लेके आएंगे इंडिया में और वो उस चीज के लिए 2018 से काम करना शुरू कर दिए थे, यानी कि वो लोग टेस्टिंग वगैरह सब कुछ शुरू कर दिए 2018 में कर दिए थे। और ऐसे भी ये सुनने में आ रहा है कि जो LG का G8 ThinQ है उसमें आपको 5G का सपोर्ट मिल जाए, क्योंकि LG यहाँ मार्केट में अभी डाउन चल रहा है, उसका अभी इतना वैल्यू नहीं रहता है, तो वो लोग हो सकता है सबसे पहले 5G फोन लेके आएंगे इंडिया में क्योंकि उनका जो हाइप बना रहे। और लिस्ट पे यहाँ पे पांच नंबर पे है मोटो। जब मोटो का Z3 यहाँ पे लॉन्च हुआ था उस टाइम वो लोग दावा किए थे कि वो लोग मोटो मोड निकालेंगे क्वालकॉम X50 मॉडेम के साथ, जहाँ पे आपको 5G का सपोर्ट मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, मोटो ने मोटो मोड नहीं निकाला। और ऐसे भी सुनने में आ रहा है कि 2019 में जो मोटो का Z3 का जो सक्सेसर होगा यानी कि Z4 होगा उसमें आपको 5G का सपोर्ट मिल जाएगा और साथ साथ वो लोग यहाँ पे मोटो मोड निकालेंगे क्वालकॉम X50 मॉडेम के साथ, जहाँ पे आप मोटो Z3 के साथ उसको लगा के मोटो Z3 को भी आप 5G रेडी कर पाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पे बाकी सारे ब्रांड भी यहाँ पे इस चीज के लिए ट्राई कर रहे हैं कि कैसे वो लोग अपना जो पहला फोन 5G फोन इंडिया में लॉन्च करे। इसी चीज के लिए ओप्पो, वीवो, नोकिया, हुआवे सब कुछ काम कर रहे हैं, वो भी अपना टेस्टिंग शुरू कर दिया है। लेकिन बाद यहाँ पे ये आता है, जो स्मार्टफोन कंपनी है वो तो 5G फोन ले आएंगे, लेकिन जो नेटवर्क है इंडिया में एक जियो है, वोडाफोन है, एयरटेल है, वो यहाँ पे नेटवर्क दे पाएंगे 5G नेटवर्क हम लोग प्रोवाइड कर पाएंगे 2019 में, क्योंकि वो लोग अपना जो नेटवर्क है वो टेस्टिंग करना शुरू कर दिए हैं, वो लोग इस चीज के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरे को ये लगता है कि पर्सनली ये लगता है कि जो 5G नेटवर्क इंडिया में आते आते 2020 हो जाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ उसको लाइक कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।